आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाल रंग के बटन को नीचे जो दिख रहा है उसको दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द फेम गेम की, जिससे हमारी धक धक गर्ल ने OTT पर डेब्यू किया है। ये एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसमें एक कपल और उसके रिश्ते के बीच कश्मकश को दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में पहली बार माधुरी के साथ मानव कौल नजर आ रहे हैं। इस सीरीज का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, मगर इसका नाम चेंज करके द फेम गेम कर दिया गया। आइए बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी एक ऐसी हीरोइन अनामिका आनंद यानी माधुरी दीक्षित की है, जो 30 सालों से नंबर 1 है। एक बड़ी सुपरहिट देने के लिए अपने एक पुराने को स्टार मनीष खन्ना यानी मानव कौल के साथ 20 साल बाद जोड़ी बनाती हैं, जिसमें साथ देते हैं उनके पति निखिल आनंद यानी संजय कपूर, जो उस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। उस मूवी के प्रीमियर के बाद अनामिका गायब हो जाती हैं। जाहिर है कि बवाल कर जाता है, पुलिस एक्टिव होती है और फिर सामने आने लगती है चमक दमक की इस दुनिया में रह रही उस हीरोइन के पर्दे के पीछे की पारिवारिक कलह की असली कहानी। ये कहानी जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा, मगर आप इसे देखें या नहीं यहाँ हम आपको ये बताने वाले हैं क्यों देखें। अगर आप धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो आप इसे देख सकते हैं। वो आज भी कई दिलों पर राज करती हैं और इस सीरीज में आपको उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। नंबर 2, एक्टिंग के मामले में मानव कौल, संजय कपूर और मुस्कान जाफरी, जो कि जगदीप जाफरी की बेटी हैं, और लक्ष्मीवीर सरन, सभी ने बढ़िया काम करके दिखाया है। और साथ ही साथ सहायक भूमिका में सुहासिनी मुले, गगन अरोड़ा और राष्ट्रीय पांडे बेहतरीन लगे हैं। नंबर 3, क्लाइमैक्स को अच्छा दिखाया है, जो कुछ नया है, मगर उस तक आने के लिए आपको 8 एपिसोड लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल हो सकता है। आइए बात करते हैं आप इस सीरीज को क्यों ना देखें। नंबर 1, सीरीज की रफ्तार काफी स्लो है, जिससे आपको बोरियत हो सकती है। नंबर 2, सीरीज में समलैंगिक संबंधों को दिखाया गया है यानी लेस्बियन और गे, मगर क्यों दिखाया गया है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 3, 2-3 एपिसोड्स के बाद ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, मतलब आगे देखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचता सिवाय क्लाइमैक्स के। तो सिनेमा ए टू जेड अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि आप चाहें तो माधुरी दीक्षित और मानव कौल के लिए इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही एक्टिंग काफी लाजवाब है। मगर अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। फिलहाल मैं इसको 5 में से 2.5 सितारे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी मूवीज या सीरीज का रिव्यू देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।